मुंगेर के एसएसपी जवान और उसकी पत्नी की सड़क हादसे में बेगूसराय में हुई मौत। मौत के बाद परिवार में मचा कोहराम। दोनों पति पत्नी के शव को लाया गया पैतृक गांव मुंगेर के शीतलपुर, जहां एसएसपी के जवानों ने मृत जवान के पार्थिव शरीर पर तिरंगा उड़ाकर सलामी और पुष्प चक्र अर्पित कर दी अंतिम विदाई। 10 महीने पहले हुई थी शादी, सभी की आंखें हुई नम। दरअसल मुंगेर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के शीतलपुर निवासी एसएसपी जवान जय सिंह और सोनू सिंह और उनकी पत्नी मौसम कुमारी की बेगूसराय में सड़क हादसे में गुरुवार को मौत हो गई, जिसे शुक्रवार की देर शाम लाल दरवाजा शमशान घाट पर दोनों के शव दाह संस्कार के लिए लाए गए, जहां पर एसएसपी के जवानों ने मृत जवान के पार्थिव शरीर पर तिरंगा उड़ाकर सलामी और पुष्पगुच्छ अर्पित कर अंतिम विदाई दी। वहीं गुरुवार की देर शाम दोनों पति पत्नी का शव शीतलपुर स्थित उनके पैतृक आवास पर पहुंचा। शव पहुंचने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। शव वाहन पर दोनों के शव को रखकर शव यात्रा निकाली गई। शव वाहन के आगे मृतक सेना के जवान की फोटो वाली बैनर को लगाकर रखा गया था। शव वाहन के पीछे पीछे काफी संख्या में लोग चल रहे थे, हर आंखों में आंसू थे। शव यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल थे। एसएसपी मुख्यालय के सूचना पर एसएसपी 16वीं बटालियन से 28 की टीम सहायक उप निरीक्षक मनमोहन सिंह के नेतृत्व में शीतलपुर गांव पहुंची, जहां से शव के साथ पूरी टीम लाल दरवाजा घाट पर पहुंची, जहां पर सर्वप्रथम जवान के पार्थिव शरीर पर तिरंगा उड़ाया गया, जिसके बाद जवानों ने पुष्प चक्र अर्पित किया, जिसके बाद जवानों ने मृत जवान को सलामी दी और वहीं बड़े भाई ने छोटे भाई को तो चचेरे मासूम देवर ने भाभी को मुखाग्नि दी। वहीं परिजनों ने मिली जानकारी के अनुसार सोनू बचपन से ही परिवार का काफ़ी दुलारा था और पढ़ाई में काफ़ी तेज था। वह फुटबॉल खेलने का भी शौकीन था। बताया जाता है कि एसएसपी जवान सोनू 2 भाई और 1 बहन में सबसे छोटा था। सोनू ने पढ़ाई करते हुए वर्ष 2021 में नौकरी प्राप्त किया, जिसके बाद 2023 में प्रेम विवाह बेगूसराय जिले के बहादुर नगर में हुआ था। बेटी और दामाद के आने के इंतजार में ससुराल पक्ष के लोग काफ़ी उत्साहित थे, लेकिन ससुराल वालों को ये पता नहीं था कि सोनू और मौसम की मौत की खबर मिलेगी। हर कोई एसएसपी जवान की मौत हो जाने के बाद दुख प्रकट कर रहा है। परिजनों ने बताया है कि सूचना के मुताबिक सोनू और उसकी पत्नी बेगूसराय के NH 31 फोर लेन पर राजा पेट्रोल पंप साहेबपुर कमाल के समीप बाइक में हवा डलवाने के लिए रुके हुए थे। इसी बीच हाईवे एवं ट्रक के आमने सामने की टक्कर हो गई। इसकी चपेट में एक ट्रैक्टर एवं बुलेरो के अलावा सोनू की बाइक भी आ गई। बालू लदा ट्रक बाइक को कुचलते हुए पति पत्नी पर उलट गया, जिसके नीचे दोनों दब गए। घटना के बाद मां कंचन देवी, पिता चंद्रशेखर सिंह, सभी परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आपके साथ कितने हैं? मेरे साथ 12 है। बैंड 10 से 10 बैंड। बाद में सामान देंगे।